देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ओमकार सिंह के नेतृत्व में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को 2 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहता है कि भारत देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इससे जनता परेशान है। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, इससे दैनिक मजदूरी करने वाले, दैनिक फल पटरी व रोजगार करने वाले, कारखानों में मजदूरी करने वालों के परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि गरीब तबके के लोग हर रोज मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यदि दूसरे दिन उन्हें मजदूरी न मिले तो उनके घर में खाना तक नहीं बनता। ऐसी स्थिति में देश में महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई पर केंद्र सरकार रोक लगाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके मंत्री महंगाई पर पूर्व सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे और अब नरेंद्र मोदी की सरकार तो महंगाई चरम सीमा पर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी महंगाई पर मौनी बाबा का रूप धारण किए हुए हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ व अन्य सामान महंगाई की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मुंह बंद किए हुए है। देश के राष्ट्रपति को भेजे हुए ज्ञापन में मांग की गई है कि देश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं ताकि आम आदमी को इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ज्ञापन देने वालों में ओमकार सिंह एडवोकेट, रामानंद पासवान इरशाद, आविद हुसैन, नौशाद अली एडवोकेट आदि लोग मौजूद थे। मैं रामानंद पासवान जी की मांगों को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा किन मांगों को लेकर प्रदर्शन आपने? इस देश में जो अन्याय, अत्याचार, भुखमरी की व्यवस्था लागू की गई है, ये मैं सोचता हूँ जानबूझकर के लागू की गई सरकार के, क्योंकि जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर दिन प्रतिदिन लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी रुकी हुई गई है और खाने बगैर मर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नाम पर हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, न पानी मिल रहा है, न दवा मिल रहा है, न खाना मिला है, न कायदे से दवा मिल रही है। 99% लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद वापस नहीं आ रहे। मेरी मांग है उस पर निगरानी किया जाए और समुचित व्यवस्था देश के लोगों के लिए पहुंचाई जाए। हमारी जो मांग है, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं महंगाई के खिलाफ। एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का मसला है, तीसरी तरफ बेरोजगारी है। इस महंगाई को देखते हुए जो डीजल 60 रुपये था आज वो 80 रुपये है, जो पेट्रोल 70 रुपये और 80 रुपये था आज वो 100 रुपये से पार कर चुका है। सरसों का तेल जो 80 रुपये और 90 रुपये था आज वो 200 रुपये लीटर है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वो अपनी आँखें खोले और गरीब जनता का हाल देखे। आज देश के अंदर 50 से लेकर 75% लोग बेरोजगार हैं, कारखाने बंद हैं, फर्में बंद हैं, जो ठेला चलाते थे लोग, जो फल लगाते थे लोग, वो सब लोग बेरोजगार हैं। आज गवर्नमेंट के पास जेब जलाने के लिए तो पैसे हैं, वो गौशाला के लिए देने के लिए पैसे हैं, लेकिन जो जनता भूखी मर रही है उसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई उधार नहीं है उनके पास। मेरी गवर्नमेंट से मांग है कि वो लोग अपनी आँखें खोलें और गरीब जनता के ऊपर ध्यान दें, जिससे कि ये घटनाएँ घट रही हैं। लोग अंतिम संस्कार की जगह गड्ढों में दबाकर जा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से मांग है, जो लोग उद्योगपति हैं, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और छापेमारी की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, लोकतंत्र बचाओ मोर्चे का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज मोहम्मद इकबाल साहब का भतीजा।